लोकसभा चुनाव का टिकट होने के बाद से लगातार कांग्रेस सांसद दानिश अली का विरोध हो रहा है। अलविदा जुमा के दौरान नौगावा सादात वोट मांगने पहुंचे दानिश अली को सपाइयों ने घेर लिया और फिर कार का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों के बीच खींचतान तक भी हुए। लोगों ने एकजुट होकर आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सांसद दानिश अली को स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। लोगों का कहना था कि सांसद बनने के बाद दानिश अली इलाके में कोई काम नहीं किए, जब वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें दोबारा से वोट क्यों दें, उनकी जगह किसी और को वोट देंगे। लोगों का कहना है कि सांसद इलाके में आना ही भूल गए थे। मिली जानकारी के अनुसार अमरोहा के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र नौगावा सादात में शुक्रवार को जुमा अलविदा की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों से मिलने दानिश अली पहुंचे। दानिश अली को देखते ही लोग इतने आक्रोशित हो गए, इतने गुस्से में आ गए कि खरी खोटी सुनाते हुए धक्का मुक्की तक करने लगे। कुछ लोग गुस्साए लोगों को समझा रहे थे, जबकि इस बीच टोपी लगाए एक व्यक्ति दानिश अली की कार पर ही चढ़ गया। हालात देख दानिश अली ने न गाड़ी का शीशा खोला न ही वो गाड़ी से बाहर आए। उन्होंने वहां से निकलना ही अपने लिए अच्छा समझा। दानिश अली से गुस्साए लोगों का कहना था कि इनके साथ जो थे वो लोग गाली बक रहे थे, इसीलिए हमने गाड़ी रोकी। 5 साल में दानिश अली ने कुछ भी काम नहीं किया। पहले बसपा के साथ गठबंधन से आ गए थे, अब की बार कांग्रेस से आ गए। काम न करने वाले सांसद को वोट फिर क्यों दे? इस मामले में अभी तक दानिश अली और अमरोहा पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन आप 5 साल में एक बार जनता के बीच जाने वाले इन नेताओं पर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।